अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं पोटैटो चिकन ब्रेड रोल्स। इसके लिए क्या चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, ये मेरे पास है तकरीबन 1 कप चिकन बॉयल। इसको मैंने नमक और अदरक लहसुन के साथ बॉयल करके श्रेड कर लिया। एक अंडा जाएगा, चाट मसाला 1 टीस्पून, लहसुन का पाउडर है ये तकरीबन 1 टीस्पून जाएगा, लहसुन का पेस्ट भी शामिल कर सकते हैं। साथ में चिली फ्लेक्स, कुटी हुई लाल मिर्चें ये तकरीबन 1 टीस्पून। आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो मिर्चें अपने हिसाब से कर लीजिएगा। ये है मेरे पास भुना हुआ पिसा हुआ ज़ीरा, ये 1 टीस्पून जाएगा। सब्जियों में क्या चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, ये मेरे पास है बंद गोभी, ये मैंने बिल्कुल थोड़ी सी लिया, तकरीबन इसको 3 टेबल स्पून ले लीजिएगा, ठीक है। एक छोटी गाजर थी, इसको मैंने इस तरह से फाइनली चॉप कर लिया। हरा धनिया मेरे पास है तकरीबन 2 टेबल स्पून। हरी मिर्च और एक छोटी लाल मिर्च थी मेरे पास, वो कलर के लिए मैंने शामिल की है, फाइनली चॉप कर लिया। आलू है मेरे पास बॉयल मैश्ड, ये तकरीबन 2 मैंने छोटे आलू लिए थे, इनको मैंने बॉयल कर लिया। ब्रेड है, ये मैंने इसके किनारे कट करके इसको तैयार किया हुआ है। साथ में ब्रेड क्रम्स, जो मैंने ब्रेड के किनारे काटे थे उसी के मैंने क्रम्स बना लिए हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी। एक बोल के अंदर चिकन शामिल करेंगे, आलू शामिल करेंगे, हरी मिर्च शामिल करेंगे, हरा धनिया शामिल करेंगे। अच्छा, ये लेमन है, ये मैं बताना भूल गई थी, ये लेमन स्क्वीज कर देंगे। साथ में गाजर शामिल कर देंगे और ये बंद गोभी शामिल कर देंगे। इसके अलावा मसालों में चाट मसाला और ये लहसुन का पाउडर, ये पूरा शामिल कर देंगे। ये 1 टीस्पून मेरे पास है भुना हुआ जीरा, 1 टीस्पून। साथ में ये कुटी हुई लाल मिर्चें, ये शामिल कर देंगे। इसको मिक्स करेंगे। और एक अच्छा सा मिक्सचर बना लेंगे। इसको मिक्स करती हूँ, आगे आपको तैयार हो गया। इसमें मैंने थोड़ा सा टू टेस्ट नमक शामिल किया है। अब हम ब्रेड की तरफ आते हैं। सबसे पहले ये मैंने ब्रेड का साइज लिया, आई ऑलरेडी वॉश्ड माय हैंड। इसमें ज़्यादा पानी नहीं लगाना, बिल्कुल थोड़ा सा लगा के इसको इस तरह से दबा के सारा पानी निकाल लेंगे हम, साइड में रखेंगे। फिर हल्का सा इसको डिप करेंगे, दबा लेंगे, ठीक है। इस तरह से मैं तमाम ब्रेड के साथ यही करूंगी। और इसके अच्छे बनने की ट्रिक यही है कि पानी बहुत ज़्यादा नहीं लगाना। दूसरी तरफ मैंने जो है ऑयल को जो है वो गर्म करने रख दिया है। तब तक ये ब्रेड के रोल बनेंगे तो ऑयल हमारा अच्छे टेम्परेचर पर गर्म हो जाएगा। तो मैं तमाम ब्रेड्स को इस तरह से करती हूँ, फिर आगे आपको दिखाऊंगी। मैंने जो है पानी से निकाल लिया है, इस तरह से एक ब्रेड का स्लाइस लेंगे, थोड़ा सा ये मिक्सचर शामिल करेंगे, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा, ठीक है। इसको हम आराम से इस तरह से, क्योंकि ये गीली है तो बहुत आराम से इसके रोल्स बन जाएंगे। किनारों को ज़रा ज़्यादा प्रेस करना है ताकि जरा सा हल्का सा प्रेशर देना, ठीक है। अंडे को मैंने फेंट लिया है, अंडे में थोड़ा सा मैंने जर्दे का रंग शामिल किया था फॉर कलर, जब ये फ्राई होंगे तो अच्छे लगेंगे, ठीक है। देखिए इस तरह से रोल तैयार हो गए, इसको साइड से प्रेस करेंगे। ठीक है जी, अब हम इसको क्या करेंगे, अंडे में ये करने के बाद हम ब्रेड क्रम्स में डालेंगे। इसको आप फ्रीज कर सकते हैं 15 दिन के लिए। इस सिचुएशन पे ब्रेड क्रम्स लगा के, अंडा लगा के, और फिर आप इसको ज़िपलॉक बैग में रख के, और आप इसको 15 दिन के लिए फ्रीज कर सकते हैं, ठीक है जी। मैं इस तरह से तमाम रोल बनाती हूँ, ये देखें, मैं इस तरह से तमाम रोल बनाती हूँ, फिर आगे आपको दिखाती हूँ। तमाम ब्रेड रोल मैंने तैयार कर लिए हैं। इस स्टेज पे आपको ये करना है कि अगर आप इसको फ्रीज़ करना चाहें तो इसको एयर टाइट कंटेनर में फ्रीज़ कर सकते हैं 15 दिन तक के लिए। आगे रमज़ान आ रहे हैं, रमज़ानों में ये बेस्ट है अफ्तारी के लिए, साथ में बच्चों के लिए भी बेस्ट है। मिर्चें अपने हिसाब से रख लीजिएगा। तो अब हम इसको फ्राई करते हैं, आगे आपको मैंने गर्म करने रख दिया था। अब इसकी आंच मैं स्लो कर दूंगी, क्योंकि
क्योंकि ऑयल ज़्यादा गर्म होगा तो फिर ब्रेड ऊपर से जल जाएगी और अच्छी शक्ल में फ्राई नहीं होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हम आराम आराम से एक एक करके तमाम ब्रेड रोल को फ्राई करेंगे। इतने ही शामिल कीजिएगा कि हमें इसको टर्न करने में आसानी रहे। ठीक है, एक साइड से हो जाते हैं, मैं दूसरी साइड चेंज करके आपको दिखाती हूँ। चेंज कर दी है इसकी, मैं तमाम को फ्राई करती हूँ, फिर आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। तैयार है हमारे पोटैटो चिकन ब्रेड रोल्स। इसको मेरी रेसिपी से ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे अपना फीडबैक दीजिएगा। रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। सब्सक्राइब करने के साथ साथ आपको ये करना है कि बेल के आइकन को प्रेस करना है ताकि मेरी आने वाली तमाम न्यू रेसिपीज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।